सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज का। सो गाइस, आर्क न्यू मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग जो है ना गाइस, वो यहाँ पे एक बॉस फाइट ले रहे थे। और मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हमारे क्यूओस वाले थाइलोकोलियो ने एक अटैक में, एक क्यूओस बॉम वाले अटैक में उस बॉस की ना फुल टू बैंड बजा के रख दी गाइस। और अभी आज हम लोग क्या करने वाले पता है, आज मैं करने वाला हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक काम। वो काम क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बने बंदे हो गए यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आपको गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। एनी के चैनल पे वैसे प्राइमल फेयर के खतरनाक सी सीरीज चालू है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, काफी ओपी सीरीज है। और गाइस, अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी मल्टीप्लेयर गेम के सर्वर बना के अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको निट्राइड उस सर्वर का। वहाँ से आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के मल्टीप्लेयर गेम के सर्वर्स आसानी से बना सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से निट्राइड सर्वर्स को जरूर चेकआउट कर लेना गाइज। तो चलिए अभी आज का जो एपिसोड है गाइज वो शुरू करते हो। और आज देखो हमको जो है ना गाइस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट काम करना है। वो काम क्या है वो बताने से पहले हमको एक और काम करना है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन करना है गाइस, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए होंगे गाइस यहाँ पे रैंप, ब्रिज, इट्स नॉट रैंप, इट्स ब्रिज भाई, ठीक है। कितना, 3 ब्रिज से काम बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से अपना, ठीक है। सो मुझे जो है ना गाइस 3 ब्रिज चाहिए भाई, ये रहे अपने 3 ब्रिज। ये 3 ब्रिज से भी आप सोच रहे होंगे भाई सब करोगे क्या अब, तो ये डिमोलिश करो। एंड आपको बताओ क्या गाइस, हम लोग ना, अच्छा 2 की जरूरत थी, मैं 3 खामखा लेके आ गया, ठीक है रुको। ओके एक मिनट रुक जाओ, कम ऑन ड्यूड। हाँ सो गाइस, आप सबको पता ही होगा गाइस कि हम लोग कुछ टाइम पे लेना यहाँ पे कुछ बॉसेस को टेम करके लेके आए, ठीक है। हम लोग ना कुछ बॉसेस को कुछ टाइम पहले टेम करके लेके आए गाइस यहाँ पे। एंड उन बॉसेस को हमको इस वाले साइड वाले आइलैंड पे रखना है, लेकिन उस वाले आइलैंड पे हम लोग तो हर बार उड़ उड़ के नहीं जा सकते ना, इसलिए गाइस हम लोग ने यहाँ पर टेक वाला जो ब्रिज है गाइस वो डायरेक्टली बना डाला है। अभी इससे जो ना गाइस हम लोग एक आइलैंड से, एक मतलब हमारा जो फ्लोटिंग आइलैंड है उससे दूसरे आइलैंड पे जा सकते हैं। और मुझे अभी यहाँ पे चाहिए होगा गाइस एक कलेक्टर और थोड़ा सा गैसोलीन गाइस, ठीक है। सो मैं फटाफट से जो ना गाइस एक कलेक्ट, अबे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा गैसोलीन खींच लेता हूँ, रुको गाइस। गैसोलीन कितना है भाई अपने पास, 11,000 भाई, 1,000 नहीं इनफ होगा, ठीक है। एंड अब यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कलेक्टर बना लेना है गाइस, ठीक है। ये बन गया गाइस कलेक्टर। तो गाइस इस वाले आइलैंड पे हम लोग ने जो बॉस टीम करे ना, उन सारे बॉसेस को मैं लाइन से लगा के रखने वाला हूँ गाइस, ठीक है, इस वाले आइलैंड पे। और यहाँ पे ना उनके अंडे कलेक्ट करने वाले हम लोग, और वो अंडे कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये कलेक्टर लेके आया हूँ, जिसको अभी हम लोग इसके अंदर गैसोलीन डाल के चालू करने वाले। इसका जो पूप ऑप्शन है वो सारा का सारा बंद रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिवेट कर डालेंगे। एंड जो हमारे सारे के सारे बॉसेस है उनको अभी हम लोग यहाँ पे बाहर निकालने वाले एक एक करके गए, ठीक है। रिवर प्रिंसेस नहीं चाहिए बाबा, खाली बॉस ही मुझे यहाँ पे इस वाले आइलैंड पे बाहर निकाल के रखने गए, ठीक है। सो पहला बॉस बंदर, अरे यार जगह जगह थोड़ी सी, चलो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एपेक्स मेगा पिथिकस, अल्फा वाला, नॉट एपेक्स, अल्फा वाला मेगा पिथिकस। ड्रैगन किधर है, ये रहा ड्रैगन और अल्फा ड्रैगन गाइस, ठीक है। सो ड्रैगन सर्जिस को भी यहाँ पे मुझे निकाल के रखना है बाहर, यहाँ पे ड्रैगन को निकाल देता हूँ। एडजस्ट हो जाएगा ना बाबा, थोड़ा एडजस्ट कर लो रे, अपने विंग्स विंग्स बाहर नहीं निकालना वरना थोड़े से अटैक बिटैक हो सकते हैं इन लोग के ऊपर, ठीक है। और एक और ड्रैगन है, इस ड्रैगन को यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। जादू की जब भी एक दूसरे को दे रहे देने दो गाइस, नो प्रॉब्लम हो। एंड उसके बाद हमको यहाँ पे निकालना है मैंटिकोर सर्जी को बाहर गाइस, ठीक है।
तो ये रहे हमारे मैंटिकोर सर जी, जिनको मैं यहाँ ऐसे बाहर निकाल दूंगा। सो गाइस, सारे बॉसेस को हम लोग ने इस वाले आइलैंड पे जो ना गाइस आराम से रख दिया है। एंड गाइस आप देख ही सकते हो कि सारे के सारे बॉसेस जो है गाइस वो फीमेल है, और इनके अंडे जो है ना गाइस वो इकट्ठा हो गए इस वाले कलेक्टर के अंदर, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ पे इनके अंडे जो है ना गाइस वो इकट्ठा होते रहेंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले एपिसोड तक, मतलब कल तक जो है ना गाइस, हम लोग को यहाँ पे अल्फा वाले इनफ अंडे मिल जाए ताकि मैं एपेक्स वाले दो बॉस वापस से टेम करके उनके अंडे निकाल के क्योस एंड स्पिरिट वाले बॉसेस को टेम कर सकूँ। तो गाइस वो रहा हमारा बॉस आइलैंड, उसको हम लोग बॉस आइलैंड बोलेंगे। गाइस रुको, ये थोड़ा सा एज पे खड़ा है बेचारा, मैं पैर भी फिसल के नीचे ना गिर जाए यार बंदर अपना। इसको थोड़ा कोपचे वाड़े में ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है चलो, हाँ ठीक है, डन 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 डन। और वो दो ड्रैगन तो जादू के जब भी डाल रहे एक दूसरे को। यार ये बारिश भी इसके कितनी बार आती है यार, पिछली बार बॉस फाइट करने गया था तब भी बारिश आई थी, अभी वापस से आ गई गाइस। चलो कोई ना, वैसे भी आज हम लोग क्या करने वाले बताए गाइस, आज भी हम लोग कुछ बॉस फाइट्स ही करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा वाला काम, अभी हम लोग बड़ा वाला काम करने वाले। उसके लिए मुझे चाहिए होंगे भाई नोवा। नोवा तो डिस्ट्रॉयर को मारने से गाइस हम लोग को वो चीज़ मिलती है क्या गाइस, लाइक अपना डिमोनिक इम्प्रेड सोर्ड स्पिरिट एंड क्योस। और भाई रुक जाओ, पहले तो भाई यहाँ पे 10 कीबल बना ले, ये वाले 10 कीबल बना ले, ये 10 कीबल बना, 1 2 3 4 5 और ये 5 बना ले, 3 बन रहे। ठीक है चलो बन दे दो। ठीक है, सो पहले मुझे रुको डिमोनिक और सिलेस्टियल को मारना पड़ेगा। एंड मैं जो है ना गाइज आज क्या करने वाला पता है आपको, बताओगा हमारे घर के ऊपर ना दो जो है ना गाइज मस्त बेकी रुको थाइलो कोलियो जो है ना गाइज वो पड़े हुए हैं। एंड उन थाइलो कोलियो को जो ना गाइस इवॉल्व करने की डिमांड ज़्यादा पब्लिक तो नहीं कर रही है, लेकिन कुछ कुछ बंदे बोल रहे हैं भाई यार वो थाइलो कोलियो को काय को ऐसे रखा हुआ है टाइम पास के लिए, बेचारों को इवॉल्व कर लो। तो आज हम लोग फाइनली उनको इवॉल्व करने का काम करने वाले गाइस। ठीक है, आज तुम्हारा भाई उस उन दोनों थाइलो को एक साथ इवॉल्व करने वाला हूँ मैं, इसलिए मुझे ना दो सिलेस्टियल वाली सोल चाहिए। अभी गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ कि सिलेस्टियल वाली सोल जो है वो मुझे कौन से बॉस को मारने से मिलती है, नोवा द डिस्ट्रॉयर या फिर कौन द क्रिएटर। किसी तो बॉस को मारने से मिलती है, बट कौन से बॉस को मारना पड़ता है ये मैं भूल चुका हूँ। चलो कोई ना, दोनों को बना के पेड़ डालेंगे अपन। ठीक है, मैं जो ना गाइज 4 बॉसेस को लेके आया हूँ। कौन उनका अच्छे से कौन था, अपने आग में जो आएगा जुलस के खाक हो जाएगा गाइस। भाई इसके कितने मिनियन आए होंगे गाइस, भाई इसके कितने मिनियन आए होंगे गाइस, यहाँ पे कितने मिनियन आए होंगे। सबकी बैंड तो मैंने ऐसे मक्खन की तरह भाई, मतलब इनको काट के रख दिया मैंने मक्खन की तरह गाइस, बैंड बजा डाली फुल डो। भाई बहुत सारे मिनियंस आए होंगे भाई, 4 बॉसेस एक बार एक साथ स्पॉट करे थे। ठीक है चलो, अब मेरे को 4 सोल तो मिली है ना, लेकिन हाँ 4 सोल मिल गए और क्या चाहिए। टेमेबल ओरिजिन भी 4 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टेमेबल ओरिजिन का क्या 4 डालना है अपन को बताओ गाइस। गार्बेज क्वीन है क्या, नॉर्मल है। करप्टेड, वाओ करप्टेड रिपर पहली बार देखी थी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम कर लो डिमोनिक रिपर को बुलाओ 4। ये अपना काटो वाला अटैक करे इससे पहले, बताओ काम 25 गाइस। ये तो अपने मिनियंस को भी नहीं बुला पाए भाई, ये जो है ना गाइस रिपर्स अपने मिनियंस को भी बुला नहीं पाए, उससे पहले इनकी बैंड बजा डाली। 4 मिले क्या, 4 इनके भी सोल मिल गए। चलो गाइस, जो हमको चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है, घर पे चल के अभी थोड़े से और खतरनाक से बॉसेस को गाइस बनाते हैं और उनसे बॉस फाइट लेते हैं, एंड उसके बाद तबाही मचा डालते हैं। जो आर्मर सेट मैंने पहन रखा है, हेलमेट का थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कुछ तो प्रोटेक्शन, देखता हूँ मेरे पास थोड़ा सा हाई प्रोटेक्शन वाला कोई हेलमेट जो है गाइस वो है कि नहीं। ठीक है, या फिर यही रहने दो। रुको गाइस, जितने बॉसेस को मारा है उनका भाई आर्मर मिला है, तो हाई प्रोटेक्शन वाला अगर मिला होगा आर्मर तो वो पहन लूंगा मैं। 6 जा रहे हो और इसका 6 जा रही है, छोड़ो फालतू है गाइस, आ जाओ और बना लेते हैं। अरे इन बॉसेस की बैंड बजा डालते हैं, और इन बॉसेस को भी हमारा भाई थाइलो कोलू भी पहलेगा। इनके गाइस आप देख ही सकते हो टेमेबल वर्जन भी मिल चुका है, लेकिन इन टेमेबल वर्जन की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि इन लोग की मैं आर्मी बिरमी कुछ बनाने नहीं वाला हूँ भाई। किबल बनने से पहले मैं बॉसेस की बैंड बजा के आ गया भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ हो गई गाइस। किबल बनने से पहले मैं बॉसेस की बैंड बजा के आ गया, सही है। चलो
इसी खुशी में ऑर्ब बना लेते हैं, ये एक ऑर्ब, ये दूसरा वाला ऑर्ब है, ठीक है। रुको गाइस, मुझे कम से कम दो दो ऑर्ब बनाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। पिकॉन द क्रिएटर की बैंड बजाने से डिमोनिक वाला वो मिलता है, ठीक है, जितना मुझे पता है। मैं जो है ना पिकॉन द क्रिएटर नहीं, नोवा द डिस्ट्रॉयर की, पिकॉन द क्रिएटर से मैं सिलेस्टियल वाले को शायद से इवॉल्व कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं, लेकिन देखते चलो। मैं पिकॉन द क्रिएटर जो ना कहीं दो बना के लेके जा रहा हूँ अभी। भाई सबसे बड़ा सवाल, पिकॉन द क्रिएटर को हवा में अपना थाइलो को लोग कैसे मारेगा। देखते चलो गाइस, देखते हैं, चलो बैटल चालू करते हैं, उसके बाद गाइस सोचते हैं कि उसको मारना कैसे गाइस, ठीक है। वो जमीन पे उतरेगा ही गाइस मेरे को मारने के लिए, तब जाके उसको एक चुम्मी दे दूंगा, वही पे डायरेक्टली उसका गेम ओवर गाइस। आ जाओ चलो, हम 25 बेटा, बट थाइलो कोलियो से हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे उन बॉसेस की बैट बजाने वाले, ठीक है। आ जाओ बॉस फाइट टर्मिनल पे चलो, और एक एक करके मैं मछली को बुला रहा हूँ, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ बुलाया ना, एक लेफ्ट में जाएगी एक राइट में जाएगी, ऊपर से वो हवा में उड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक एक करके इसको उड़ा सकता हूँ क्या। अबे भाई मैं तो हवा में अपने बम छोड़ सकता हूँ, भाई गई है भाई, मछला गया, मछला जल का रानी है और इसको खत्म। बच्चे रे बच्चे बच्चे, भाई आग भाई जला के खाक कर दूंगा मैं। ये कितनी रिपर आ रही है करप्टेड डेथ बॉम्ब भाई, ये लो, इन लोग को चिल मच रही है ज्यादा गाइस। आग डाल ऊपर, दिखाई मेरे को भी कुछ नहीं दे रहा गाइस, आग आगे दिखाई दे रही है हर तरफ, मैं रैंडमली अंधा मार रहा हूँ गाइस। ये देखो ये देखो, निकी वे इसकी डेड, हट जाओ बे, चलो इनका टाइम हट जाएगा तो वो निकल लेंगे। मुझे भाई वो मिली ना, उनको सिलेस्टल वाली सोल, हाँ भाई सिलेस्टल वाली सोल मिली है, ठीक है चलो। कोई तो तुक्का निशाने पे लगा, भाई निकल लो, हाँ चलो डिस्पॉन हो गई है। मैं इसका अंडा उठा लेता हूँ और एक और बॉस को बुला लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ गाइस, हेलो सर, अच्छा इसको अच्छे से स्पॉन होने दो, वरना भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छे से स्पॉन होने दो भाई, सीधा इसके भाई बड़े बड़े ये पेट पे डाल, अपन लोग इस तरह से बम का गोला फेंकते बच्चे गाइस, गाइस खत्म, क्या मार रहा हूँ गाइस मैं, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, बड़े मार दिया गाइस मैंने इस मछली को। बाप रे भाई, आग में से बाहर निकल ले दो भाई, फटके पड़ रहे भाई, ये मिनन कुछ ज्यादा ही तेज हो रहे गाइस, ज्यादा ही तेज हो रहे। इनके ऊपर बम डाले, इनके ऊपर बम डाल, बेस क्या गए इधर आओ, बेस क्या भाई, लोग के ऊपर बम डालता हूँ, रुको खत्म भाई, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड गाइस। चलो काम हमारा हो चुका है, हम लोग ने बॉस को भी मारा, उसके मिनियन को भी मारा, और हमको जो दो सोल चाहिए थी वो भी गाइस हम लोग को मिल चुकी है। तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग घर पे चलते हैं, बारिश जो है ना गाइस वो भी यहाँ पे जा चुकी है, और अभी मेरे हिसाब से हमारे जो प्यारे प्यारे से थाइलो कोलियोज है, उन दोनों थाइलो कोलियो को यहाँ पे इवॉल्व करने का टाइम भी आ चुका है। वैसे सर आपके इन्वेंट्री में क्या क्या चीज है, कोई इंपॉर्टेंट खास चीजें तो नहीं है, बट जो भी है गाइस उठा लेता हूँ चलो, ठीक है। और गामा जो है गाइस वो मुझे थोड़ा सा ठीक करने दो, गामा 3.1 ऑलराइट, ठीक है गामा कर दिया मैंने, ठीक। अभी हम लोग जो है ना गाइस चलते हैं यहाँ पे ऊपर हमारे स्मिदी के पास, एंड इसमें जो टेक वाला हमको सूट मिला था वो पूरा सूट डाल देना, क्योंकि ये ग्लिच सूट है, अगर ये सूट हम पहनेंगे तो हमारा गेम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। और पिकॉन द क्रिएटर के अंडे, ओके रुको, पिकॉन द क्रिएटर के अंडे हम लोग यहाँ पे डाल देते, ठीक है, अंडों को हम लोग यहाँ पे डाल के रख देते, इजी पीजी। ये जो हैचरी है गाइस इसको उठा लेगी, ठीक है, और इसके अंदर ये अंडे हैच होते रहेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी दोनों थाइलो को लो जिनको मैंने ऊपर रखा हुआ है, उन दोनों को जो ना गाइस नीचे लेके आने का टाइम हो चुका है। थाइलो, अच्छा इनको ऊपर ही वॉल कर देता हूँ ना गाइस, ओके इनको ऊपर ही वॉल कर दूंगा। अरे यार इसकी मैंने लेवलअप नहीं करी थी, अब भी लेवलअप कर देंगे भाई, अब भी लेवलअप कर देंगे। चलो गाइस पब्लिक डिमांड पे दो दो थाइलो कोलियो को एक साथ इवॉल्व करने वाला है आज तुम्हारा भाई, ठीक है। रुको पहले इसको मैक्स लेवल करने दो,
उसके बाद इसको हम लोग इम्प्रिंट कर डालेंगे। ये हो गया मैक्स लेवल, ये हो गया इम्प्रिंट, एंड हमारा ताइलो के लिए बोलने के लिए रेडी है। थोड़ा सा इसको क्रैब कर लेता हूँ ताकि अगर इनकेस अगर कोई ग्लिच भी छुआ होगा तो वो हट जाएगा। सो ये रहा हमारा फर्स्ट सेलेस्टियल ताइलो जो कि थोड़ा सा लो लेवल का है, बट इवोल्व होने के बाद ही देखते हैं गाइस कि कौन लो लेवल का और कौन हाई लेवल का है। ठीक है, चलो इसका सैडल मैंने निकाल दिया है एंड इसको हम लोग अभी असेंडेंट करने वाले। रेडी हो? 1 2 3 हियर वी गो। ओ भाई लुक देखना गाइस, इसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक आने वाला है यहाँ पे। ये देखना, ओ भाई रुको, इसको क्रायो करता हूँ, बाहर निकालता हूँ एंड इसके ऊपर हम लोग इसका सैडल जो है गाइस वो वापस से लगा डालते हैं गाइस। ठीक है, अभी जो सबसे पावरफुल था इन दोनों में, ये वाला ताइलो को ले पावरफुल था, तो इसको भी इवॉल्व करने का टाइम आ चुका है। इसको इम्प्रिंट विप्रिंट हम लोग ने पहले ही कर रखा है और अभी हम लोग इसको भी असेंडेंट डायनो करने वाले। तो रेडी हो गाइस, 1 2 3 हियर वी गो, लेट्स गो गाइस। हमारे पास दो दो इवॉल्व वाले ताइलो को ले आ चुके हैं भाई, मजाक हो रहा है क्या? देख रहे हो गाइस, दो दो इवॉल्व वाले ताइलो को ले। वैसे इसकी डिमांड पब्लिक ने ज्यादा नहीं करी थी, कुछ भाई इक्का दुक्का बंदे ही बोल रहे थे कि थाइलो को इवॉल्व करो, लेकिन गाइस अभी बताओ अपने थाइलो को ले कैसे लग रहा है आपको भाई? देखा ये देखो, ओ भाई साहब गाइस, दो दो इवॉल्व वाले असेंडेड वाले जो है ना गाइस थाइलो को लियो, काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक गाइस। और अभी इन दोनों में से ना, रुक जाओ, सबसे पावरफुल, ओ वेट अ मिनट, 3.4, अच्छा डैमेज इसका ज्यादा, हेल्थ इसकी ज्यादा है, तो मैं जो है ना गाइस इस वाले के साथ जाऊंगा क्योंकि इसका डैमेज ज्यादा है। ठीक है, हेल्थ तो हम लोग इम्प्रिंटिंग पोशन से कर ही लेंगे। तो गाइस इसको यहीं पे छोड़ के हमारे इस सबसे पावरफुल वाले थाइलो को लेके जाके लेवल अप करके अब इससे तबाही मचाने वाले हम लोग। देखते हैं गाइस इस थाइलो का इवॉल्व होने के बाद डैमेज कितना जा रहा है। ठीक है, विदाउट लेवल अप तो 2 लाख डैमेज दे रहा है, जो कि उतना बुरा डैमेज नहीं है। हाँ, बाकी अगर आपने लुक नहीं देखा है तो इसका लुक दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइज, एकदम बुलडू सफेदी की दुकान। ये भी जो है ना गाइज, हम लोग ने जो रेक्स इवॉल्व करा था सेम टू सेम उसी की तरह है। जहाँ पे गाइज अंधेरा होगा वहाँ पे ब्लू दिखाई देगा, जहाँ पे उजाला होगा वहाँ पे गाइज ये वाइट दिखाई देगा। तो ब्लू एंड वाइट का कॉम्बो जो है ना गाइज वो हमको थाइलो में मिला है यहाँ पे। और सारे डायनोस को अगर हम इवॉल्व करेंगे सेलेस्टियल वाले तो सेम यही कॉम्बो मिलता है गाइज कलर का। तो गाइज लुक तो आप लोग ने देख लिया, अटैक की बात करें तो इसके पास है ब्राइट अटैक, गाइस ब्लू वाली फ्लेम छोड़ने वाला अटैक, बूम बाम ब्रो गाइस। ये देखो गाइस, ये इसका स्पेशल सेलेस्टियल बॉम्ब वाला अटैक जो कि एक्सपे, और इसके अलावा और कोई अटैक आपको इस थाइलो के पास देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस हमको इसका अटैक नहीं, हमको इसका डैमेज देखना है, तो मैं इसको एक्सपी पोशन खिला देता हूं एंड अब इसका डैमेज देखना गाइस। 1 बिलियन तो इसकी हेल्थ जानी चाहिए कम से कम। ठीक है, और मेरे हिसाब से 70 प्लस पॉइंट इसके डैमेज में मैं डालने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए। 30, 40, 50, 60, 70, 71 पॉइंट गाइस मैंने इसके डैमेज में डाले, और विदाउट इम्प्रिंटिंग इसका डैमेज कितना जा रहा है? 52 मिलियन ओनली है। इम्प्रिंट के बाद कितना जाएगा? रुको यार, मुझे उम्मीद नहीं है ज़्यादा गाइस इसके डैमेज भी मेरे से। इसका डैमेज काफ़ी कम जा रहा है गाइस यहाँ पे। रुको, इम्प्रिंट करके मैंने इसको बाहर तो निकाल लिया है वापस से। 1.4 बिलियन हेल्थ हो चुकी है इसकी। डैमेज कितना? मूवमेंट स्पीड तो सॉलिड है, देखो मूवमेंट स्पीड सॉलिड है भाई, एकदम फुल फ्लैश का चच्चा बन चुका ही है। बट डैमेज 300 मिलियन। ठीक है, इम्प्रिंट के बाद गाइस हमारा हर एक डायनो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, तो 341 मिलियन का काफी तगड़ा वाला डैमेज गाइस हमारा है ताइलो को लियो दे रहा है। और ये डैमेज इसका लास्ट डैमेज नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने इसको पावर अप नहीं करा है, तो इसको पावर अप करा जाए गाइस। आ जाओ, ये कर लिया मैंने इसको पावर अप एंड अभी देखते इसका डैमेज कितना जा रहा है। 500 मिलियन प्लस, 682 मिलियन डैमेज गाइस। भाई डैमेज तो काफी तगड़ा वाला दे रहा है ये। रुको, इसका इसको डेजर्ट में लेके जाता हूँ एंड इसका जो बम होता है ना गाइस, जो मुंह से छोड़ रहा है, ये वाला इसका अटैक देखना है मुझे कितना जा रहा है। हमारा पिछला वाला थाइलो को 1 बिलियन का गोल क्रॉस नहीं कर पाया, बट क्या ये कर पाएगा? अबे मेरे पास ओरिजिन है ही नहीं रैप्टर के अलावा, रैप्टर के ऊपर क्या चेक करूँ मैं ये वाला अटैक इसका यार। 796 मिलियन, वेट अ मिनट, 995 मिलियन गाइस, 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन,
1 बिलियन प्लीज प्लीज 995 मिलियन तक पहुंच चुका है गाइस इसका डैमेज। क्या ये 1 बिलियन तक पहुंचेगा? 900 मिलियन डैमेज ब्रो, ना 300 400 500 मिलियन ही जा रहा है भाई। 1 बिलियन रुको, कोई बड़ा डायनो नेमलेस, अरे बफॉन वाले डायनोस को टेम ही नहीं करा, इनको भी करेंगे टेम। रुको हाय मैग्मा सूर के थोबड़े के अंदर जाके अटैक दे, हाँ दे अटैक दे। 400 मिलियन नहीं, कोई बड़ा डायनो। पैरासिटेरियम है क्या यहाँ पे? पैरासिटेमल अपना कार्नो है, कार्नो के अंदर तो 995 5 मिलियन और यार, 5 मिलियन और गाइस यार 1 बिलियन का गोल ना ओनली 5 मिलियन डैमेज से रुक गया, ओनली 5 मिलियन डैमेज से। वरना इसका जो अगर मैं इसके डैमेज में 72 पॉइंट डालता ना तो गाइस इसका डैमेज अभी ना 1 बिलियन चला जा चुका होता गाइस। यार सॉलिड है भाई, बाइट अटैक ही 600 मिलियन का दे रहा है। ये देख रहे हो ये ओरिजिन, ओरिजिन तो आजकल ओरिजिन को तो बच्चा भी मार के चला जाता है। देखो ये वाइवरन ऐसा आएगा, जंप करके ऐसा मार दूंगा हवा में, 500 मिलियन का डैमेज, डेड बॉडी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सीधा गायब गाइस। ठीक है, इतना पावरफुल हमारा थाइलो और 900 मिलियन डैमेज भाई, पकड़ के चलो 1 बिलियन डैमेज दे रहा है गाइस, 1 बिलियन डैमेज भाई, सॉलिड है काफी ज्यादा। इसको बेहोश किसने रखा है? इसको मार नहीं सकते क्योंकि किसी अपने सब्सक्राइबर ने बेहोश करके रखा है उसको। नहीं गाइस जो डैमेज है 995 मिलियन का वो उतना ही रहने वाला है, उससे ज्यादा गाइस इसका डैमेज नहीं जाने वाला। लेकिन गाइस हमारा ये थाइलो को लियो, सच में केओस वाले थाइलो से बस डैमेज के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है हाँ, इसका जो अटैक होता है इसका बर्निंग डैमेज नहीं पड़ता, केओस वाले थाइलो को लेकर बर्निंग डैमेज पड़ता है। तो बर्निंग डैमेज के मामले में केओस वाला थाइलो को ले इसको पीछे छोड़ देगा, बट डैमेज केओस वाले थाइलो को लेकर इतना नहीं जा रहा था जितना इस सेलेस्टियल वाले का जा रहा है 995 मिलियन। आप खुद बताना गाइस आपको ना कौन सा वाला थाइलो को लियो पसंद आया गाइस। ठीक है, केओस थाइलो को लियो या फिर हमारा असेंडेड सेलेस्टियल इवॉल्व वाला जो थाइलो को लियो है ना गाइस वो पसंद आया, आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके आपको कौन सा थाइलो पसंद आया। मुझे तो जो है ना गाइस केओस वाला पसंद आया गाइस। ठीक है, मुझे केओस वाला काफी ज्यादा कूल लगा। आप बताना गाइस कि आपको केओस ये वाला केओस, रुक जाओ दोनों को भाई आप ऐसा हाँ मोड़ के रख देता हूँ, ये देखो यस गाइस। तो आप बताना केओस एंड गाइस सेलेस्टियल में से आपको कौन सा वाला थाइलो ज्यादा पसंद है। इनको एक काम करता हूँ गाइस, ठीक है इनको एक काम करता हूँ, ऊपर जो ना ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा इनका है ना, रुको इसको ऐसा ऊपर लेके जाएंगे अपन और ये जो थाइलो को लिए हैं यहाँ पे डाल देंगे केओस वाला थाइलो ना, केओस वाला थाइलो बीच में रहेगा भाई। देखो अपनी थाइलो को लियो आर्मी गाइस भाई, ना आर्मी से इस वाले आर्मी से कोई भी भाई जीत नहीं पाएगा और पंगा भी नहीं लेना चाहेगा। ये देखना गाइस केओस वाला थाइलो को लियो और सेलेस्टियल वाले इवॉल्व वाले थाइलो को लियो। तो आप बताओ गाइस कि आपको इन दोनों में से कौन सा वाला थाइलो ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट करके। बाकी गाइस आज का एपिसोड इन्हीं दो थाइलो के इवोल्यूशन के साथ और हमारा जो आइलैंड है ना गाइस उसमें बॉस का छोटू सा एक घर बनाने के साथ यहीं पे खत्म होता है। बाकी आज का एपिसोड और हमारा इवॉल्व वाला थाइलो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में काफी डेंजरस और खतरनाक से डायनोस को भी टेम करेंगे हम लोग और बॉस फाइट भी लेंगे, तो मिस नहीं करना आने वाले एपिसोड गाइस। ठीक है चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय मेरे भाई लोग। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.